सर, ये विनय का प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम दशम भाव में, जिसे हम कर्म की भाव कहते हैं, ठीक है, और ये कर्म से ही हमें जीविका मिलता है और ये जीविका करने के बाद हमें धन मिलता है कि हम अपने जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, अपने परिवार की जो देख रखाव है, उसकी पैसा से, उसी धन से हम कर पाए। इसका मतलब ये पूरा है कि कर्म ही हमें धन देते हैं और धन से हमें अपने रोजगार चलाने में हमें सहायता मिलते हैं। तो इसे हम कैसे जान सकेंगे कि हमें कौन सा सेक्टर में क्या जॉब मिलेगा या क्या कर्म मिलेगा, ताकि हम अपने जो रोजगार है उसे चला सके, उससे हम धन को कमा सके। लेकिन उससे पहले, जो दर्शक मेरे चैनल में नया है, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि देखिए कि जहां हमने देखा कि जितने भी पुरानी पुस्तक है, एस्ट्रोलॉजी की जितने भी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है, वहां पर हम आम तौर से हमें मिलेगा कि लग्न से या चंद्र से दशम में कोई ग्रह है तो उससे हमें जीविका के बारे में विचार करना चाहिए। जैसे कि अगर लग्न से या चंद्रमा से दशम भाव में अगर सूर्य होता है तो पिता से, या चंद्रमा होता है तो माता से, ठीक है, अगर मंगल होता है तो विरोधी से, बुध होता है तो दोस्तों से, अगर गुरु होता है तो भाइयों से, अगर शुक्र होता है तो स्त्री से, और शनि होता है तो दास से या चतुर्थ वर्ग की कर्मचारियों से हमें जीविका की पता चलता है। मतलब कि इनसे जुड़े हुए लोगों से हमें रोजगार का जो सहायता हमें मिलता है, तो ये आम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में नहीं मिलता है कि अगर लग्न से या चंद्रमा से दशम में कोई ग्रह है तो क्या ऐसा रिजल्ट आता है। देखिएगा कि क्वेश्चन हमेशा मनुष्यों में आता है, क्वेश्चन कि किसी का तो एक से ज्यादा आय का स्रोत होता है तो ये क्या करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि नवांश को भी हमें इतना ही महत्व देना होता है। लग्न कुंडली में देखिएगा कि लग्न से या चंद्रमा से या सूरज देवता से, लग्न कुंडली में अगर वहां से दशम भाव में कोई ग्रह स्थित हो या दशम की अधिपति को देख लेना बहुत आवश्यक होता है। और उसे फिर नवांश में देखिए कि नवांश में कौन सी राशि में है, और उस राशि की हिसाब से ही जातक को ना जीविका मिलता है, उससे ही रोजगार मिलता है और उस रोजगार से जातक को धन मिलता है, ठीक है। सिर्फ हमें लग्न या चंद्रमा से नहीं, सूरज से भी देखना चाहिए कि दशम में कौन सी राशि है या कौन से ग्रह है, आप देखिए। फिर उसे नवांश में देखिए, नवांश में कौन सी राशि में है, जैसे कि लग्न से, चंद्र से या सूरज देवता से दशम भाव का अधिपति या दशम में स्थित ग्रह नवांश में कौन सी राशि में गया है, उसे देखिए। और उसे देखने के बाद हम लोग चयन कर पाएंगे कि क्या क्या जो जातक को जीविका की जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। अगर बुध हुआ तो क्या होगा, गुरु हुआ तो सूरज देवता, चंद्र देवता, कोई भी होता है तो क्या क्या परिणाम और कैसे कैसे जीविका जातक को मिलता है, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हमें जानना होगा कि सिर्फ लग्न और चंद्रमा से दशम की ग्रह को एनालिसिस करके हम नहीं बोल पाएंगे कि जातक का क्या, कौन सी फील्ड में जातक को तरक्की मिलेगा, कौन सी आजीविका में जातक को धन मिलेगा। उसके लिए हमें लग्न को भी देखना होगा, चंद्रमा को भी देखना होगा, फिर सूरज देवता को भी देखना होगा, और उसका लग्न, चंद्र और सूरज देवता की दशम भाव में कोई ग्रह है
या उसकी अधिपति नवांश में देखिए कि कौन सी राशि में गया है, ठीक है। जिस राशि में गया है उसी हिसाब का जो जीविका है जातक को देता है। अगर यहाँ पे देखिएगा कि अगर दशा लगन चंद्र देवता और फिर सूरज देवता से दशमान दशम में कोई ग्रह है या दशम का अधिपति अगर निर्बली भी हो, अगर जहां पर नवांश में जहां पर जिन राशि पे ये ग्रह गया है तो वहां पर देखिएगा कि वो अगर बली हो तो जातक को उसी हिसाब का अधिपिका मिलता है। और एक बार लग्न से चंद्रमा से या दशम से सॉरी लग्न से चंद्रमा से या सूरज देवता से दशम में कोई ग्रह है या दशम का अधिपति को नवांश में देखना चाहिए कि कौन सी राशि में गया है, और वो राशि अधिपति अगर बली हो तो जातक को चाहे लग्न से फिर सूरज चंद्र देवता से या सूरज देवता से दशम में कोई ग्रह है या दशम का अधिपति बली ना भी हो, अगर वो नवांश में बलि होता है तो उसके हिसाब से भी जातक को वैसे ही आजीविका मिलता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ तो शायद आप लोग इरिटेट भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंफ्यूज है तो बार बार बोलना अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग समझ पाए कि ठीक तरह से क्या क्या परिणाम आ सकता है। तो हमने क्या समझा कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि अगर हम लग्न से या चंद्रमा से दशम भाव का अधिपति को देखते हैं तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं लाता है, लेकिन हमारे हिसाब से हमने जो देखा है अगर लग्न से चंद्रमा से या सूरज देवता से दशम में कोई ग्रह है या उसका अधिपति दशम की अधिपति नवांश में कौन सी राशि में गया है उसके हिसाब से ठीक ज्यादा बेहतर है। आप लोग भी अपनी कुंडली में देखिए या अपने दोस्तों की कुंडली में देखिए कि ऐसा क्या हो रहा है, और आपकी अगर कोई दोस्त अगर जीविका कर रहा है, कोई नौकरी में है, कोई कर्म में है, तो क्या क्या कौन सा नौकरी में है या कौन सा कर्म में है वो हम आसानी से जान सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि सूर्य देवता से चंद्र देवता से बाकी के रेस्ट ऑफ द प्लैनेट से अगर वो नवांश में दशम का अधिपति अगर वो नवांश की राशि में हो तो जातक को क्या क्या रोजगार देगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।